और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रायपुर में हैं। भाजयुमो का चुनावी बिगुल फूंकेंगे तेजस्वी सूर्या। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तेजस्वी सूर्या, तो वहीं शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में उद्घोष होगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे तेजस्वी सूर्या और युवाओं में एक नया जोश भरने की कोशिश। यहां से शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, युवाओं को साधने की कवायद अब आज से भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तेजस्वी सूर्या पहुंच रहे हैं और ऐसे में आखिर किस तरह से युवाओं पर खास फोकस किया जाए, चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए? बाहर निकलेंगे, मीडिया से बातचीत भी होगी। वो परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम बीजेपी का 11 बजे से शुरू होगा। भाजयुमो के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है और सीधे तौर पर कोशिश यही रहेगी तेजस्वी सूर्या की इन मंडल के कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया जाए, निर्देश दिया जाए, ताकि वो ग्राउंड पर जाकर बीजेपी के लिए काम करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में करीब 16 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। 16 लाख नए मतदाता वो वोट करेंगे और इसीलिए इनको टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। और उसी सिलसिले में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या वो रायपुर पहुँच रहे हैं। जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है 11 बजे से परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित प्रदेश प्रभारी होंगे, शामिल होंगे। कोशिश यही होगी कि युवाओं को किस तरीके से साधा जाए। इसके अलावा अलग अलग तौर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की होगी। बिल्कुल हेमंत, जरा हमें तस्वीरें भी दिखाएं। तेजस्वी सूर्या पहुंचने वाले हैं, क्या उसी को लेकर ये पूरी तरीके से जो स्वागत की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी सूर्या के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है राउत नाचा, उसके जरिए स्वागत यहाँ पर होगा। जैसे वो बाहर निकलेंगे, हेमंत बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। जी जरूर, तो कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत हम करते हैं। ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, युवाओं को टारगेट करने की कोशिश होगी क्या 16 लाख नए वोटर्स हैं इस बार? पूरे प्रदेश में नौ मतदाता संपर्क अभियान किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पूरे प्रदेश के युवाओं को एक मैसेज देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करना है, 16 लाख नए मतदाताओं को, नए युवाओं को विशेष रूप से ये आग्रह करेंगे। बस कुछ देर बाद तेजस्वी सूर्या एयरपोर्ट के बाहर आएंगे और तैयारी काफी की गई है उनके दौरों को लेकर। और प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के रवि भगत और तमाम पदाधिकारी अंदर है, अंदर उनका स्वागत किया गया है। आज जैसे ही वहाँ पर आएंगे पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा। और कोशिश यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के दौरे कराने के पीछे बीजेपी की रणनीति यही है कि साधा जाए। इसके अलावा 10 जो पदाधिकारी हैं तेजस्वी सूर्या की टीम के, वो छत्तीसगढ़ के चुनावी लड़ में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। और एक दिन का तेजस्वी सूर्या का जो है छत्तीसगढ़ दौरा है, सवाल एक बार दोहराएंगे, एक ही दिन के दौरे पर है तेजस्वी सूर्या या फिर छत्तीसगढ़ में अभी रहेंगे और उसके बाद बैक टू बैक बैठ के भी लेंगे? देखिए, आज सिर्फ एक दिन के दौरे पर तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे हुए हैं और 11 बजे से परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद लगभग 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 4 बजे से 6 बजे तक कार्यकर्ताओं से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात होगी, मंडल मुलाकात होगी और फिर शाम 7:30 बजे वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।